उधर कराची में जिम मालिकान जिम्स की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर आ गए मर्द और खवातीन एथलीट्स और जिम मालिकान कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने वजीर अला सिंध से मुतालबा किया कि कई माह से जिम्स बंद हो गए हैं जिसकी वजह से वो मकरूस हैं। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे जाहिद गुफार हमारे साथ मौजूद है। जाहिद बताइएगा, क्या मुतालबात किए जा रहे हैं? जी, इनके मुतालबात सिर्फ यही है कि इनके जिम्स और हेल्थ सेंटर्स खोले जाएं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में कहीं भी पाबंदी नहीं है और वहाँ तमाम हेल्थ सेंटर्स और जिम्स जो खुले हुए हैं, लेकिन सिंध पर ये जो है पाबंदी क्यों? अपने हक के मुतालबात में सैकड़ों से सौ से जायद एथलीट और जिम्स मालिकान हमने उसमें देखे, जबकि मार्शल आर्टिस्ट भी इसमें हमने देखे मुजाहरे में, और मॉडल्स भी यहाँ पर आकर जो है वो मुजाहरा कर रही थी। इनकी अहम आवाज़ बनी हुई थी जिम्स मालिकान की, क्योंकि चार माह गुजर हो चुके हैं और जितने भी जिम्स मालिकान हैं उनके रेंट ऊपर जिम्स है वो फातून के जो रोड पर आ गए हैं, किराया पे नहीं कर पा रहे हैं और उनके घरों में फाके हो रहे हैं। हमने ये देखा कि मॉडल्स ने भी जो है यहाँ एहतजाज तौर पर जो सड़क पर एक्सरसाइज करी, वर्जिश करी, इनके अलावा जो मार्शल आर्टिस्ट थे उन्होंने भी यहाँ पे जो है मुजाहरा किया, डेमोन्स्ट्रेशन की। हमने ग्रैंड मास्टर अजम शेख को भी देखा और दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं पाकिस्तान के अशरफ भाई के बाद वो भी मुजाहरे में शरीक थे।